प्रतिष्ठा से पहले भजन संध्या का आयोजन, भजन सम्राट ने भजन प्रस्तुत कर जीता लोगों का दिल। लखनऊ में हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी का उद्घाटन समारोह, कार्यक्रम में सीएम योगी ने की शिरकत। अंबेडकर नगर में यंग इंडिया के बोल, सीजन 4 का विमोचन, हेमंत अहीर की अध्यक्षता में हुआ विमोचन। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले राज्य मंत्री लोकेंद्र प्रताप सिंह बीकेटी पहुंचे, जहां उन्होंने मां चंद्रिका देवी मंदिर में पूजा अर्चना कर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर भजन कीर्तन किया। इस दौरान राज्य मंत्री के साथ साधन सहकारी समिति लखनऊ के अध्यक्ष वीरेंद्र प्रताप सिंह सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। अयोध्या जी में 22 जनवरी को श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जगह जगह भव्य आयोजन किया जा रहा है। सभी पूरे उत्तर प्रदेश सहित पूरा देश राम में नजर आ रहा है। आज मां चंद्रिका देवी दर्शन करने पहुंचे हैं राज्य मंत्री लोकेंद्र प्रताप सिंह जी। कैसे देख रहे हैं भगवान राम की पुनर्स्थापना अयोध्या में 22 जनवरी को हो रही है। हम लोगों का बहुत पुराना सपना पूर्ण हो रहा है। ये इतिहास के पन्नों की घटना है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज होगी। और मोदी जी योगी जी का ये युग उनका सदैव आभारी रहेगा। उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया है। ये राम युग है और राम युग के साथ हम सब लोग भगवान राम की इस प्रतिस्थापन के साक्षी बन रहे हैं। ये हम लोगों के लिए बहुत गौरवान्वित होने का विषय है। कई पार्टियों के द्वारा लगातार इसका विरोध भी किया जा रहा है, जो प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं होंगे। उनका अपना मत है, राम विरोधी को भारत स्वीकार नहीं करता है। और वो यही वजह है कि आगे आने वाले समय में हर प्रकार से जनता उनको नकार रही है। राम का विरोध ये मैंने अजब गजब स्थित है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ किस प्रकार के लोग हैं जो भगवान राम का विरोध कर रहे हैं। राम तो इस देश के आदर्श हैं, इस देश की संस्कृति राम है। तो इस देश की संस्कृति का विरोध करने वाले लोगों को भारत स्वीकार ही नहीं करता, कभी स्वीकार नहीं किया। राम विरोधी उनको देश स्वीकार नहीं कर रहा है। आप देख रहे हैं आज की खबर, हरिओम दीक्षित के साथ लखनऊ से। अयोध्या में होने वाले 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राम भक्त काफी उत्साहित हैं और राम भक्ति में लीन हो गए। वहीं आज की खबर की टीम जब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोगों की राय लेने के लिए निकली, तो सिद्धार्थ नगर के प्योहारी आश्रम राम जानकी मंदिर के महंत लाल बहादुर दास जी से जैसे ही राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सवाल पूछा गया, तो बोलते बोलते वो भावुक हो गए और कहा कि प्रभु श्री राम का दिन आ गया है। पहले वो झोपड़ी में थे, अब वो महल में विराजमान हो रहे हैं। तो हम अपने उत्तर प्रदेश नहीं, भारत नहीं, संपूर्ण विश्व के सभी सनातन धर्म प्रेमियों को इस 22 जनवरी के पावन अवसर का साधुवाद और शुभकामना देते हुए हम यह कहेंगे कि पिछले 600 वर्षों से कई पीढ़ियां हम लोगों की बीत गईं इस दिन का इंतज़ार करते करते। हम सभी लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं कि इस पावन अवसर का लाभ हम लोगों के जीवन में आया है। हम 22 जनवरी के इस अवसर को ही असली राम राज्य कहेंगे कि राम राज्य बैठे त्रिलोका हर्षित भय गए सब शोका, बैर उनकर काहू सन कोई, राम प्रताप विस्मता खोई, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। इस पावन अवसर पर इस राम राज्य का वास्तव में बहुत ही प्रसन्नता सभी राम भक्तों में है। इस प्रसन्नता को के उद्गार को हम प्रस्तुत करने के लिए 22 जनवरी को प्योहारी आश्रम की तरफ से पूरे नगर पंचायत में एक विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया। और भाई कहना तो इतना है कि अब शब्द कम पड़ रहे हैं। प्रभु राम जी के आगमन की इतनी अधिक खुशियां पूरे नगर में, पूरे देश में व्याप्त है कि हर जगह लोग भगवान के राम के नाम की चर्चा कर रहे हैं। सिर्फ राम की ही बातें हो रही चारों तरफ और सभी लोगों को खुश देख करके ऐसा हो लगता है कि शायद राम राज्य की परिकल्पना अब धीरे धीरे सच होने जा रही है। बहुत ही आनंद आ रहा है हमारे प्रभु जी राम जी के आगमन के। अंबेडकर नगर में राम भक्तों के नाम भजन संध्या का आयोजन किया गया, जहां भजन सम्राट अनूप जलोटा को सुनने के लिए भारी भीड़ उमड़ी। वहीं मुख्य अतिथि जिलाधिकारी अविनाश सिंह और विशिष्ट अतिथि पुलिस अधीक्षक जिला पंचायत अध्यक्ष मौजूद रहे। जिलाधिकारी अविनाश सिंह और पुलिस अधीक्षक ने अंबेडकर नगर के सम्मानित जनता और दर्शकों से 22 जनवरी को अयोध्या न जाने की अपील की।
आयोजक सचिन पांडे ने अपने घरों पर दीपक जलाने की अपील की। भजन सम्राट अनूप जलोटा ने अवध में राम आएंगे जैसे कई भजन प्रस्तुत कर दर्शकों का मन मोह लिया। लंबे इंतजार के बाद अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। लाखों करोड़ों राम भक्तों का सपना पूरा होने वाला है। इस बीच उन्नाव में रहने वाले लक्ष्मी स्वरूप ब्रह्मचारी उर्फ फलाहारी बाबा सुर्खियों में, उन्हें राम मंदिर आंदोलन के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया था। जेल में रहने के दौरान उन्होंने प्रण लिया था कि जब तक प्रभु श्री राम का मंदिर नहीं बन जाएगा वो केवल फल खाकर जीवित रहेंगे। पिछले 34 सालों से वो फलों पर निर्भर है, इसलिए उन्हें फलाहारी बाबा के नाम से पुकारा जाता है। बाबा ने अयोध्या में राम मंदिर बनने तक अन्न ग्रहण न करने का संकल्प लिया था। पिछले 34 सालों से वो फल खाकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अब उनकी प्रतिज्ञा पूरी होने के का वक्त आ गया है। रामलले की प्राण प्रतिष्ठा के बाद फलाहारी बाबा अन्न को ग्रहण करेंगे। ये लक्ष्मी स्वरूप ब्रह्मचारी उर्फ फलाहारी नाम से आप जाने जाते हैं। फलाहारी इसलिए जाने जाते हैं कि 12 अक्टूबर 1989 को हम शहीद राजा दशा सिंह शिव मंदिर पर साधना कर रहे थे। उस समय शासन मुलायम सिंह का था। यहाँ पर पुलिस आई और हमको अरेस्ट करके ले गई। एक दिन हमको उन्नाव जेल में रखा और उसके बाद में हमको 27 दिन रायबरेली जेल में रखा। उन 27 दिनों में प्रथम 6 दिन हम जल और अन्न पीते रहे और वहाँ पर हमने अन्न नहीं पाया। मेरे पे आरोप पत्र लगाया गया कि आप रायबरेली क्रैशन पर मस्जिद गिराने जा रहे थे, तो ये झूठ था। तो जब ये झूठ है तो जब तक मस्जिद रहेगी मंदिर नहीं बनेगा, रामलला स्थापित नहीं होंगे, तब तक हम अन्न नहीं ग्रहण करेंगे। वही उसी संकल्प को लेकर के आज मैं संकल्प की पूर्णता की ओर जा रहा हूँ। भगवान राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बन रहा है और उन्हीं का एक विकल्प, एक मुट्ठी अन्न और 1 रुपया से जिस स्थान पर हम रह रहे हैं उस स्थान से 3 किलोमीटर दूर फूलमती धाम झुलुओं में राम मंदिर भव्य बन चुका है और उसी मुहूर्त उसी समय में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा इस मंदिर। जहां एक तरफ पूरे देश में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं, तो वहीं आज कानपुर में भी राष्ट्र रक्षा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी ली। राम दरबार सजाया और भजनों का आनंद भी लिया गया। इस प्रोग्राम की खास बात यह रही कि यहां राम दरबार की पूजा और अर्चना में हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिमों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें एक बार फिर गंगा जमुनी तहजीब कानपुर में देखने को मिली। ये कार्यक्रम हो रहा है राम जी का जो हो रहा है 22 जनवरी की जो तारीख तय हुई थी प्राण प्रतिष्ठा की, उसी के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम हुआ है। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए पिछले कम से कम 20 सालों से हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे बाबा फ्रीडम फाइटर रहे हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबू तुफैल अहमद बाबू पहलवान, जो हम लोग योग निवास हमारा परेड पर है, जबकि बाबा की बैठक जो है दूध भंडार कमला टावर के पास होती थी। और आज़ादी की लड़ाई में 2 बार वो जेल भी गए हैं, बनारस 1939 में जेल भी गए वो आज़ादी की लड़ाई में। तो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए तो हम लोग बहुत सालों से काम कर रहे हैं। पीढ़ियाँ, तीसरी पीढ़ी हम लोग हैं जो हम लोग काम कर रहे हैं। परेड पे हमारे परेड क्षेत्र में सांस्कृतिक जितने भी कार्यक्रम होते हैं उसमें हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, चाहे वो रामलीला कार्यक्रम हो या और भी जितने बड़े कार्यक्रम परेड ग्राउंड के अंदर होते हैं उसमें हम लोग सब आगे बढ़ चढ़। उत्तर प्रदेश के बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी इन दिनों अपने स्वास्थ्य को लेकर बेहद परेशान है। बीते दिन बाराबंकी कोर्ट में मुख्तार ने आंखों के इलाज के लिए गुहार लगाई थी। इसको लेकर कोर्ट ने मंडल कारागार बांदा के अधीक्षक को लेटर लिखकर इलाज कराए जाने के आदेश दिए थे। मुख्तार ने जेल प्रशासन पर आरोप लगाया था कि जेल प्रशासन उसका इलाज नहीं करवा रहा है। उस दौरान ये भी सामने आया था कि मुख्तार को सांस लेने में परेशानी हो रही है। बता दें कि अब मुख्तार अंसारी की शिकायत पर कोर्ट ने जेल प्रशासन को मुख्तार के इलाज के आदेश दिए हैं। श्री राम विग्रह प्राण प्रतिष्ठा कलश यात्रा का लखनऊ के बीकेटी पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। बता दें कि 15 जनवरी को उत्तराखंड के हरिद्वार से चलकर मुरादाबाद, बरेली, सीतापुर, लखनऊ होते हुए अयोध्या को ये पहुंचेगी। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविन्द्र पुरी ने बताया कि इस कलश में उत्तराखंड से गंगोत्री, यमुनोत्री और सरयू के पवित्र नदियों के उद्गम स्थल बागेश्वर से जल लेकर अयोध्या ले जाया जा रहा है। इसी जल में मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व जलाभिषेक किया जाएगा। अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी जी द्वारा चारों धाम के तीर्थ के जल को लेकर के भगवान श्री राम के अभिषेक के लिए यात्रा का जो उद्गम स्थल है
यहाँ से जल लेके जा रहे हैं। ये जल जो है वहाँ रामलला का स्नान होगा और जो भी हमारे जितने भी हमारे मुख्यमंत्री जी है, जो भी हमारा उत्तराखंड है, उसके कल्याण के लिए। पुलिस अधीक्षक कौशाम्बी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा पुलिस लाइन कौशाम्बी में साप्ताहिक परेड की सलामी ली गई। परेड का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा परेड में मौजूद समस्त पुलिस कर्मियों के टर्नआउट का अवलोकन कर बेहतर टर्नआउट मेंटेन करने के लिए निर्देशित किया गया। पुलिस कर्मियों को मानसिक और शारीरिक रूप से फिट रहने की दौड़ लगवाई गई और एक रूपता और अनुशासन बनाए रखने के लिए ड्रिल कराई गई। साथ ही गणतंत्र दिवस के दृष्टिगत रिहर्सल परेड का निरीक्षण कर संबंधित दिशा निर्देश दिए गए। अंबेडकर नगर मुख्यालय जिला कांग्रेस कार्यालय में युवा कांग्रेस के नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष हेमंत अहीर की अध्यक्षता में यंग इंडिया के बोल सीजन 4 का विमोचन किया गया। यह कार्यक्रम कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा शुरू किया गया। यह भारतीय युवा कांग्रेस का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जिसके तहत आम और सामान्य पृष्ठभूमि के प्रतिभाशाली युवाओं को राजनीतिक मंच मुहैया कराया जाता है। इस दौरान प्रतियोगिता मंडल प्रभारी ने बताया कि आम और सामान्य परिवार के युवाओं को राजनीति से जोड़कर सहभागी लोकतंत्र को मजबूत बनाना इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य है। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री राहुल गांधी जी के द्वारा देश के युवाओं को राजनीति में बढ़ चढ़ कर भागीदारी लेने के लिए एक बृहत्तर कार्यक्रम है जो संपूर्ण भारत में लागू किया गया है। यूपी ईस्ट में आशीष शर्मा जी के निर्देशन में यह कार्यक्रम संपादित हो रहा है, जिसके लिए आज हम संपूर्ण जिला कार्यकर्ताओं के साथ, जिला उच्च पदाधिकारियों के साथ इस कार्यक्रम के लॉन्च। बांदा में शिक्षकों की गैर विभागीय ड्यूटी लगाने से शिक्षक नाराज हैं। बता दें कि बीते दिनों मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम ड्यूटी लगाने से शिक्षक नाराज हो गए। जहां कार्यक्रम में गेट पर स्वागत करने और जोड़ों को तैयार कर विदाई तक ले जाने में लगी ड्यूटी से शिक्षकों में रोष दिखा, जिसको लेकर जिला अध्यक्ष शिक्षक ने कहा कि गैर विभागीय ड्यूटी से शिक्षकों का मनोबल गिरेगा, वो अपमानित महसूस करते हैं। इसी क्रम में शिक्षकों ने ब्लैक कपड़े पहनकर विद्यालय में ब्लैक डे मनाया और बीएसए को ज्ञापन सौंपा। वहीं ज्ञापन मिलने के बाद बीएसए ने अधिकारियों से बात करके समस्या का निस्तारण करने की बात कही। कौशाम्बी के हॉस्पिटल में फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जहां ठंड अधिक होने के बाद भी दूर दराज से आकर सैकड़ों लोगों ने फ्री हेल्थ चेकअप का लाभ लिया। साथ ही कैंप में मरीजों को मुफ्त में दवाइयां भी दी गई। बता दें हॉस्पिटल समय समय पर ऐसे कैंपों का आयोजन करता है। कैंप में शुगर, ब्लड प्रेशर, खून की जांच और ईसीजी की निःशुल्क जांच की गई। हॉस्पिटल के एमडी ने बताया कि ये हॉस्पिटल की तरफ से तीसरी बार फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन हुआ है। कैंप में 100 से ज्यादा मरीजों ने सुविधा का लाभ उठाया है। हमारे राफिया हॉस्पिटल में आज फ्री कैंप का आयोजन किया गया था, जिसमें 120 के ऊपर मरीज आए और फ्री हेल्थ चेकअप, फ्री जाँचें, ब्लड जाँचें, हार्ट की जाँच, ईसीजी वगैरह वगैरह जितने भी जांचें होती हैं वो हमने फ्री आपका किया और फ्री में दवाइयां दी हैं। और आगे भी हमारा ये उद्देश्य है कि फ्री कैंप करते रहेंगे। आज स्वास्थ्य कैंप किया गया था फ्री निःशुल्क, जिसमें हम लोगों ने लगभग 122-125 पेशेंट्स का मुफ्त में इलाज किया है और जो दवाइयाँ हमारे पास अवेलेबल थी वो उनको वितरित की गई हैं। कुछ दवाइयाँ बाहर से भी उनको प्रोवाइड करवाई जाएंगी और ऐसा ही प्रोग्राम। लखीमपुर खीरी में तिकुनिया लक्ष्मी नारायण मंदिर के स्वामी शिवचरण महाराज ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में उन्होंने विपक्ष की तुलना मंथरा से की। स्वामी शिवचरण महाराज ने बताया कि जैसे त्रेता युग में कैकई की दासी मंथरा ने भगवान राम के तिलक कार्यक्रम में बाधा पहुंचाने के लिए कैकई को भड़काया, उसी प्रकार कलयुग में विपक्ष भी भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में बाधा पहुंचाने के जनता को भड़काने का काम कर रही है। स्वामी ने कहा कि जिस प्रकार मंथरा के विरोध के चलते भगवान राम को 14 साल का वनवास भोगना पड़ा मगर बाद में आखिरकार उनका राज्याभिषेक धूमधाम से हुआ, उसी प्रकार विपक्ष भी भगवान राम का विरोध 500 सालों से कर रहा है। विपक्ष के विरोध के बाद भी आखिरकार 22 जनवरी वो दिन जब प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम राम जन्मभूमि अयोध्या में सफल किया जाएगा। आज इस प्राण प्रतिष्ठा को देखते हुए मंथरा का रोल विपक्ष कर रहा है। जिस प्रकार से मंथरा को भगवान का राज्याभिषेक अच्छा नहीं लगा था, उसी प्रकार से विपक्ष को ये प्राण प्रतिष्ठा अच्छी नहीं लग रही है कि क्यों हो रही है। आखिर में जिस प्रकार से मंथरा का विरोध करने के बाद भी भगवान का राज्याभिषेक हुआ 14 वर्ष बाद, उसी प्रकार विपक्ष का विरोध करने के बाद भी 22 तारीख को 500 साल बाद भगवान की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को अयोध्या में जन्मस्थान।
कौशाम्बी में पहली बार लग्जरी गाड़ियों पर पुलिस का ट्रैकिंग अभियान चलाया गया। बता दें पुलिस ने लग्जरी गाड़ियों का चालान कर 75,000 जुर्माना वसूला है। वही पुलिस की इस कार्रवाई से लग्जरी गाड़ियों में फर्राटा भरने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। एसपी के निर्देशन में सीओ चायल की मौजूदगी में थाना प्रभारी की चौकी प्रभारी ने पुलिस फोर्स के साथ आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम और गणतंत्र दिवस के तहत ट्रैकिंग अभियान चलाया। हमीरपुर में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई, जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। तस्करों के पास से मादक पदार्थ के 51 पैकेट बरामद हुए। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि इन तस्करों के तार अन्य प्रदेशों से जुड़े हैं, जिनकी जांच की जा रही है। इंस्पेक्टर विवाद गश्त पे थे तो उन्हें सूचना मिली कि महेरा के पास कुछ अवैध गांजा की तस्करी होने वाली है। इस सूचना पर उन्होंने एक संदिग्ध क्रेटा वाहन को रोका और मौके पर तलाशी ली गई। तलाशी में क्रेटा गाड़ी में छुपा के रखे गए 51 पैकेट गांजा बरामद किया गया, जिसकी अनुमानित मूल्य लगभग 13 लाख रुपए है। एक अभियुक्त के पास से नजायज अवैध तमंचा बरामद हुआ है और लगभग 26,000 रुपए बरामद हुए हैं। इस संदर्भ में हम लोग कौशाम्बी में पसारों के खिलाफ पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही। खुलेआम कनवार से धुमाई नाका अजूबा होते हुए ओवरलोड गाड़ियां निकल रही हैं, जहां प्रतापगढ़ से आए पासर ओवरलोड गाड़ियां पास करा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक थाना पुलिस की मिलीभगत से अवैध परिवहन चल रहा है और रात दिन पासर सैकड़ों से अधिक गाड़ियां पास करा रहे हैं। अंबेडकर नगर में युवक का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। बता दें कि युवक का शव घर के बगल थोड़ी दूर पर नाली में गिरा पाया गया। बता दें शरीर पर काफी चाकू की गोदनी के निशान मिले। वहीं परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जानकारी देते हुए पुलिस ने कहा कि मृतक के भाई की तहरीर पर अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर छानबीन की जा रही है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।